हेलो एवरीवन, आज हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की प्योरिफिकेशन मेथड में क्रिस्टलाइजेशन मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड में होता क्या है? तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू हम मोस्टली इम्प्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड को हम क्या करते हैं, प्योर करते हैं। इनऑर्गेनिक सॉलिड का प्योरिफिकेशन भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे हम मोस्टली इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड को हम क्या करते हैं, प्योर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? तो इसके लिए हमें इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होता है। तो इसके लिए हमें सॉल्वेंट की जरूरत होगी, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक सॉलिड है तो हमारा सॉल्वेंट भी कैसा होगा, ऑर्गेनिक होगा। क्यों? लाइक डिजोल्व लाइक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए जिसमें हमारा कंपाउंड तो सॉल्युबल हो लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज जो है वो इनसॉल्युबल रहें। तो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म आपका हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड आपका हो सकता है, एल्कोहल आपका हो सकता है, ईथर ठीक है आपका हो सकता है, बेंजीन। तो हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिसमें हमारा ये कंपाउंड कैसा हो, सॉल्युबल हो, लेकिन उसकी इम्प्योरिटीज कैसी हो, वो इनसॉल्युबल हो। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉलिड है जब आप सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे तो हीट करने पे ये डिजोल्व होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे उतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जब आप हीट करोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो हीट करने पर ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे, और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए तो फिर उस सॉल्यूशन को हम क्या कर देते हैं, फिल्ट्रेट कर देते हैं। फिल्ट्रेशन पे होता क्या है कि इम्प्योरिटीज हमारी अलग हो जाती हैं क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। अब हमें यहाँ पे हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो मिल गया। अब हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, स्लोली कूल करना है जिससे आपका क्रिस्टल बड़ा बड़ा बने। अगर आपने रैपिड कूल किया है तो क्रिस्टल छोटा छोटा बनेगा। तो आपने कूल किया तो हमको प्योर क्रिस्टल जो है वो दिखाई देने लगते हैं। फिर इन क्रिस्टल को आपने ड्राई कर लिया तो हमारा प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड जो है हमको मिल जाता है। अब यहां पे हम करते क्या है, जब आप स्लोली कूल करते हो सॉल्यूशन को, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन ये कैसा है, सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड हॉट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे प्योर क्रिस्टल जो है थोड़ा सा डाल देते हैं। जब हम कूल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्योर क्रिस्टल डाल देते हैं। तो इस प्योर क्रिस्टल के अराउंडर्स जो है क्या होता है, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीडिंग। ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सीडिंग कहलाती है, ठीक है। तो डाल लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डालो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड को प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आती है हमारी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में हमारा ये जो ऑर्गेनिक सॉलिड है ये कैसा होगा, ये मिक्सचर होगा, ठीक है, मिक्सचर होगा, मतलब इसमें दो कंपाउंड जो हैं होंगे या तीन कंपाउंड होंगे। अब उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो देखो सर वही करना है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। तो इम्प्योरिटीज तो कैसी होनी चाहिए, इनसॉल्युबल होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके मान लीजिए दो सब्सटेंस हैं, आपके दो सॉलिड हैं, तो निश्चित तौर पे जब आप इस सॉलिड मिक्सचर को डिसॉल्व करोगे तो इसमें से एक सॉलिड जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, एक सॉलिड जो है वो कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। फिर उसको हमने फिल्ट्रेट कर लिया, फिर हमने स्लोली कूल किया, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम थी उसके क्रिस्टल पहले अपीयर होंगे, ठीक है, उसके क्रिस्टल पहले बन गए तो उनको हमने सेपरेट कर लिया। फिर हमने सॉल्यूशन को फिर से हीट किया, हीट करने के बाद उसको हमने फिर से कूल किया, तो जिस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी उसके क्रिस्टल जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहलाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।